और फिर आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वो नेसेसिटी अगर समझ आ जाती है आपको, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इन्वेंशन। सो एग्जैक्टली जीएसटी जो है वो भी एक इन्वेंशन ही है, लेकिन नेसेसिटी क्या थी? कैस्केडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट और लिमिटेशंस ऑफ वैट सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ वैट वर्सेस सैन वैट, इन सब पुराने सिस्टम्स के अंदर लिमिटेशंस थी कि आपको वैट में सैन वैट का क्रेडिट नहीं, सैन वैट में वैट का क्रेडिट नहीं। सैन वैट क्या था गाइस? व्हाट वाज सैन वैट? व्हाट वाज सैन वैट? सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी। तो भेदभाव था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कैस्केडिंग इफेक्ट था, इफेक्ट लिमिटेशंस थी, नो यूनिफॉर्मिटी, नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि भाई तुम अपनी मनमानी तरीके से टैक्स लगा रहे हो, तुम अपना टैक्स लगा रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस की ज्यादा पावर थी, स्टेट तो कटोरा लेके बैठे रहती थी, भाई पैसा दे दो बाबा के नाम पे, बाबा के नाम पे, क्योंकि सर्विस टैक्स भी सेंटर का, एक्साइज भी सेंटर का, कस्टम ड्यूटीज भी सेंटर की, और इनकम टैक्स भी सेंटर का। अब आपने नोटिस किया, जब स्टेट बड़ी चौड़ी हो रही है लास्ट के 5-6 सालों में, पहले स्टेट्स में हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, क्योंकि अब इक्वल हो गए ना। पहले क्या होता था, पति सुनाता था, पत्नी चुप रहती थी, लेकिन अब इक्वल है तो दोनों को अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तलाक भी ज्यादा हो रहे हैं। अब ये मैं बुरी बात नहीं कह रहा, अच्छी बात भी है भाई, पावर सबके पास होनी चाहिए, लेकिन जब पावर इक्वल होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। तो पहले स्टेट्स बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह रहती थी, लेकिन क्योंकि अब जीएसटी में दोनों लगाते हैं मिलकर, तो दोनों का इक्वल इक्वल रेशियो है, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन है, तो ऑब्वियसली पावर भी मिल गई है स्टेट्स को ज्यादा। ये अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो अच्छी बात है। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में एक टॉपिक बताया था जीएसटी का, उसी से मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। जीएसटी गुड्स पे लगेगा या सर्विसेज पे लगेगा? गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी गुड्स और सर्विस। गवर्नमेंट ने डिस्टिंक्शन ही हटा दी कि भाई गुड्स का टैक्स अलग है, सर्विस के टैक्स अलग है, ये भेदभाव भी हटा दिया। हम नहीं कह रहे लड़के अच्छे हैं, हम नहीं कह रहे लड़कियां अच्छी है। मैं कहूंगा लड़के ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लड़कियां बुरे मान जाएंगी, और मैं कहूँ लड़कियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं तो लड़के बुरे मान जाएंगे। तो भाई मैंने कहा दोनों इक्वल है, तो गुड्स पे भी जीएसटी लगेगा, सर्विस पे भी जीएसटी लगेगा। तो जो फॉर्मेलिटी गुड्स के सप्लायर को करनी है जीएसटी में, वही फॉर्मेलिटी सर्विसेज के लिए। पहले सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगता था, दैट वाज सर्विस टैक्स, जिससे क्या होता था, हमें तो कोई ज्यादा बर्डन नहीं था एज प्रोफेशनल्स, लेकिन गुड्स बनाने के लिए एक्साइज भी था, एंट्री टैक्स भी था, वैट भी था, सीएसटी भी था, तो उसको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते थे गुड्स वालों को। सर्विस वाला तो अपना सर्विस टैक्स में बैठ गया, आराम से काम खत्म हो गया। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस के कारण मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल फॉर्मेलिटीज, मल्टीपल पेपर वर्क, मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखना पड़ता था। कोई एक्साइज का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई वैट का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई सीएसटी का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन होता था, बहुत ज्यादा पेपर वर्क बढ़ जाता था। लेकिन अब हम कह रहे हैं भाई गुड्स और सर्विसेज पे दोनों पे एक ही टैक्स लगेगा, और ये इंट्रा पे लगेगा या इंटर पे लगेगा? इंट्रा सप्लाई पे या इंटर सप्लाई पे? इंट्रा पे या इंटर पे या दोनों पे? दोनों हाँ, दोनों पे बिल्कुल। इंट्रा एंड इंटर सप्लाई पे लगेगा।
अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। तो भाई अच्छा ये इंटरनेशनल हो नेशनल हो सब पे, अच्छा ये भी यस नेशनल डोमेस्टिक सप्लाई हो या इंटरनेशनल सप्लाई हो, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई हो या हिंदुस्तान के बाहर सप्लाई हो, दोनों पे लगेगा। तो यानी कि अब हमने क्या कर दिया, गुड्स दिया है जीएसटी, सर्विस दी है जीएसटी, सेम स्टेट में है जीएसटी, इंटर स्टेट में है जीएसटी, एक्सपोर्ट है जीएसटी, इंपोर्ट है जीएसटी, कौन लगाएगा, सेंट्रल स्टेट। तो जहां पर भी डिफरेंस होते हैं वहां पर यूनिफॉर्मिटी लिया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो इट विल बी लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस, इंट्रा एंड इंटर सप्लाई, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सप्लाई। नाउ हाउ जीएसटी इज लेवीड, लेट्स कम टू नो दैट। गाइस जीएसटी कैसे लगाया जाता है जरा देखिएगा, बाद में कॉपी करिएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सेम स्टेट, इस पे भी जीएसटी लगेगा, यस। इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, इस पर भी जीएसटी लगेगा, यस, सेम यूनियन टेरिटरी। एंड गाइस इंटर स्टेट सप्लाई, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसके अंदर याद रखिएगा इंटर स्टेट के अंदर इंटर स्टेट में वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, ये लिखते रहना चीज। वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी और वाइस वर्सा। मैंने क्या लिखवाया जरा नोट करना, थर्ड वाले कॉलम में वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दिल्ली टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू केरला, केरला टू तमिलनाडु, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, अंडेमान टू यू नो दमन एंड दीव, या दादरा नगर हवेली टू चंडीगढ़, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, या फिर वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, दिल्ली टू आंध्रा, दिल्ली टू अंडेमान, अंडेमान टू दिल्ली। बेसिकली अगर आप समझना चाहते हैं व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई, आप ये समझ लो बाउंड्री क्रॉस हो रही है। इसको सरलता से इंटर स्टेट सप्लाई को एक लाइन दे देते हैं, बाउंड्री क्रॉस हो रही है, बाउंड्री क्रॉस होना। और ये बाउंड्री के अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्टेट की बाउंड्री के अंदर इंट्रा, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर इंट्रा यूनियन टेरिटरी, और अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाए, लक्ष्मण रेखा मींस बाउंड्री क्रॉस हो जाए, चाहे स्टेट की यूनियन टेरिटरी की, तो उस केस में उसको इंटर स्टेट कहा जाता है। और सुनो मेरी बात, इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रॉस हो जाए, इंडिया से यूएस चले जाए, यूएस से इंडिया चले जाए, उसको भी इंटर स्टेट कहा जाता है जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी में इंटर स्टेट को बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग दिया गया है। तो व्हेनेवर बाउंड्री इज क्रॉस्ड गाइस, वेदर दिल्ली इज बाउंड्री,
अंडेमान्स बाउंड्री, तमिलनाडुस बाउंड्री, तो बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी होगा, और बाउंड्री या लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी तो इंटर स्टेट कहेंगे। तो इंटर स्टेट में सर क्या इंटरनेशनल भी आ जाएगा? यस, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आ जाएगा, इंटर स्टेट में ही कहेंगे उसको। यस, तो मेरे हिसाब से 5 आइटम्स इंटर स्टेट में आते हैं। पहला आइटम है वन स्टेट टू अनदर। वन स्टेट टू अनदर का मतलब दिल्ली टू यूपी, यूपी टू बिहार, बिहार टू महाराष्ट्र। ये क्लियर है बात? Yes. ये बात क्लियर। चलो दूसरी बात, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी। तो ये हो गया आपका अंडेमान से लेकर दमन एंड दीव, दमन एंड दीव से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लद्दाख, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। बताऊंगा, अगर आपको ये नहीं पता यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होती हैं, वो भी हम आज चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तीसरी बात, वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी और वाइस वर्सा। तो अंडेमान टू दिल्ली, दिल्ली टू अंडेमान, तीन बात। चौथी बात एक्सपोर्ट, और पांचवी बात इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है? हिंदुस्तान से बाहर गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं। इंपोर्ट में क्या होता है? बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। तो इंटर स्टेट में 5 आइटम आएंगे, या इसको सरलता से अगर याद रखना है तो बाउंड्री क्रॉस हो रही है, बाउंड्री क्रॉस हो रही है। तो बाउंड्री क्रॉस हो जाए स्टेट की, बाउंड्री क्रॉस हो जाए इंडिया की, या बाउंड्री क्रॉस हो जाए यूनियन टेरिटरी की, उसको इंटर स्टेट जीएसटी में कहा जाता है। तो इंटरनेशनल को इंटर स्टेट में डाला जाता है। जैसे ये इंटरनेशनल की बात कर रहे थे ना हम, ये वाली बात, ये बात को हम कहाँ डाल देते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई में डाल देते हैं, क्योंकि हम ना ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहते, ये एक्सपोर्ट है, ये इम्पोर्ट है, ये स्टेट की बाउंड्री है, ये यूनियन टेरिटरी की है। सिंपल करने के लिए हमने कह दिया, जहां पर भी अपने घर से बाहर निकल गए आपका वो इंटर स्टेट बन गया। अब वो अपना घर आपका स्टेट का था, आपका वो यूनियन टेरिटरी का था, इंडिया का आपका बाउंड्री थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हो गई इंटर स्टेट की? पहले मुझे हाँ ना का जवाब दे दीजिए। चलो अब इंट्रा स्टेट का एग्जांपल क्या हुआ? इंट्रा स्टेट का यूपी टू यूपी, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लगेगा। यस, जीएसटी इंट्रा पे भी है, इंट्रा पे भी है, इंट्रा स्टेट इंट्रा यूनियन टेरिटरी, इंटर स्टेट पे भी है। लेकिन यहां पर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी सेंट्रल और स्टेट मिलाकर लगाएंगे। हाँ, शायद जीएसटी कोई भी हो वो सेंट्रल और स्टेट मिलाकर लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहां पर लाइन लिखवाई थी गाइस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी द जीएसटी टुगेदर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी द जीएसटी टुगेदर। तो जीना भी मरना भी साथ साथ है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी का रेट, फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी का रेट ले रहा हूं 12%, तो गवर्नमेंट ने कहा ये 12% इंट्रा स्टेट सप्लाई पे दोनों सरकारें मिलकर लगाएंगी, आधा लगाएगी 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट 6% लगाएगी। तो यानी कि क्या कर दिया हमने, जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज का जीएसटी है that will be levied together by the center and the state. Whatever the rate of GST is, for example 12%, 6% CGST लगेगा, 6% SG लगेगा. So whenever, guys, intrastate supply takes place within the same state, that state government will levy half and half will go to the central government. तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा ना, कि मैं लगाऊंगा तुझे क्रेडिट मिले, तू लगाएगा मुझे क्रेडिट मिले, इससे अच्छा क्या करते हैं, दोनों आधा आधा लगाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं दिल्ली के, या डोमिनोज का पिज्जा मंगवाते हैं, तो देखिएगा जीएसटी का रेट होता है खाने पे 5%। 5% के अंदर आपने नोटिस किया होगा सीजीएसटी लिखा होता है 2.5%, एसजीएसटी लिखा होता है 2.5%, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। 2.5% दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर आप यूपी में मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके खाना खाते हैं तो यूपी भी 5% लगाएगी, लेकिन उसमें 2.5% यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, 2.5% केंद्र सरकार को मिलेगा। ऐसे बिहार में जाकर अगर आप मैकडोनल्ड्स में खाना खाते हैं एग्जांपल के तौर पे, वहां पर भी 5% जीएसटी लगेगा,
2.5% सेंटर का होगा, 2.5% बिहार गवर्नमेंट का होगा. सो वेन एवर सप्लाई टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट द रेट ऑफ जीएसटी विल बी स्प्लिट इन टू टू बिकॉज इन इंडिया द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवीज जीएसटी टूगेदर. इफ द परसेंटेज इज 12 दैट विल बी 6%, 6%. इफ द परसेंटेज इज 18% 9 and 9. Yes. वो हमें ये देखना पड़ेगा वो सप्लाई किस चीज की हुई है स्टेट में, और जो रेट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे अलग अलग चीजों पे. तो जो भी रेट होगा ना क्वेश्चन देगा आधा आधा कर दीजिएगा, तो आधा जाएगा सीजीएसटी, आधा लगेगा सीजीएसटी, आधा लगेगा एसजीएसटी. सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी एंड एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी. गाइस दिस सीजीएसटी इज लेवीड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017. दिस सीजीएसटी इज लेवीड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017. एसजीएसटी is levied under SGST Act 2017. हाँ ये याद रखेंगे, अगर दिल्ली में माल बिका है तो दिल्ली SGST लगेगा ना, यूपी में माल बिका है तो यूपी SGST. सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सेम ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST CG तो सेम ही है पूरे इंडिया में, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी स्टेट में कानून पास कर रखा है. तो यूपी सीजीएसटी एक्ट पास हो गया होगा, बिहार का पास हो गया होगा, नाम उनका एसजीएसटी है. अच्छा इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो और वही 12% का जीएसटी हो तो इसमें भी दो हिस्से होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी आधा हमें चाहिए और आधा यूटी जीएसटी एक्ट लगेगा, 6% सीजीएसटी लगा. एग्जांपल 6 है क्यों क्योंकि मैंने 12% एज्यूम किया. अगर मैं 5% एज्यूम करता तो 2.5-2.5 लेते. तो सीजीएसटी 6% लगेगा और यूटी जीएसटी 6% लगेगा. गाइस सीजीएसटी तो मैंने बता ही चुका हूं कौन सी एक्ट में लगता है, कौन सी एक्ट में लगता है सीजीएसटी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. और यूटी जीएसटी जो लगेगा ये लगता है यूटी जीएसटी एक्ट 2017. तो यूटी जीएसटी है मेरे बच्चों, वो यूटी जीएसटी एक्ट में लगता है, इसके लिए यूटी जीएसटी एक्ट पास कर रखी है. अब क्वेश्चन ये आता है इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगेगा. क्या बात है, इंटरस्टेट सप्लाई पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी एक है, दो नहीं. अभी तो सर आपने कहा था कस्में खाई थी जन्मों जन्मों की, तेरे साथ रहूंगा मैं, अब क्या हो गया, अब छोड़ दिया तुमने साथ स्टेट का. अभी तो कहता सेंटर और स्टेट मिलकर लगाएंगे, अब क्या हो गया, अब तो आपने एक ही टैक्स लगा दिया आईजीएसटी 12% का लगा दिया, इसको तो आपने दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं किया. कहां गया तुम्हारी कस्में, कहां गए तुम्हारी वादे, ये क्या मतलब हुआ. इसमें क्या स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को हिस्सा नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट ने कहा लगाएंगे हम बाद में डिवाइड कर देंगे. अच्छा तो डिवाइड होगा बाद में. यस तो आईजीएसटी है लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस बट अपोर्शंड लेटर ऑन, उसको डिवाइड करेंगे, अपोर्शन करेंगे, स्टेट का शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हम लगाएंगे क्योंकि दो स्टेट्स इन्वॉल्व्ड है ना, बाउंड्री क्रॉस हो गई है ना. तो जब झगड़ा होता है ना घर में आपका भाई बहन के साथ, तो माँ बाप आ जाते हैं बीच में. माँ बाप कहते हैं हम डिसाइड करेंगे. तुम लोगों का कभी झगड़ा हो जाता होगा ना भाई बहन के साथ, चॉकलेट आई है घर में, तुझे कितनी मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी, उस चॉकलेट में 5 bars है खाली, अब तुम कैसे करोगे. तो पेरेंट्स कहते बेटा हम डिसाइड करेंगे किसको कितना मिलना चाहिए. तो ऐसे ही लगाएंगे आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी. अच्छा आईजीएसटी कौन सी एक्ट में लगेगा, आईजीएसटी लगेगा आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत. तो आईजीएसटी मेरे बच्चों लगेगा आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत, और जो लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाएगा बाद में बांटा जाएगा, अपोर्शन लेटर ऑन. अपोर्शन का मतलब डिवाइडेड, अपोर्शन का मतलब डिवाइडेड.
चलो देखिए, तो भाई दिल्ली से अब आप मुझे बताना कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे, टेल मी। दिल्ली से गुड्स दिल्ली गए हैं तो पहले तो मुझे स्टेटस बताना, ये इंट्रा या इंटर है। दूसरा मुझे जीएसटी का टैक्स बताना, कौन सा जीएसटी लगेगा। दिल्ली से गुड्स दिल्ली गए हैं तो ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा यूनियन टेरिटरी है, और इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा। ये स्टेटस 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 इंट्रा यूनियन टेरिटरी, इंडिया स्टेट। यूनियन टेरिटरी नहीं, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। इंट्रा यूनियन टेरिटरी। हाँ लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन दिल्ली स्टेट भी है, इसलिए हम इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। मैं इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में। इंट्रा स्टेट कहते हैं इसको हम, इंटर यूनियन टेरिटरी नहीं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, नो डाउट, नो डाउट यूनियन टेरिटरी है, लेकिन स्टेट क्यों कहा आपने सर, ये मैं इसका रीजन दूंगा। कौन सा जीएसटी लगाएं, जब इंट्रा स्टेट कह दिया तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अभी और देखो भैया, दूसरा दिल्ली से यूपी, दिल्ली से यूपी, बहुत बढ़िया, इंटर स्टेट। और कौन सा जीएसटी लगाओगे भैया, आईजीएसटी। अंडेमान टू अंडेमान, अंडेमान टू अंडेमान, इंट्रा यूनियन टेरिटरी। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी मानी गई है, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी स्टेट का दर्जा मिला है इसको। इसका लॉजिक पता है क्या है, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी होते हुए भी स्टेट इसलिए माना गया है क्योंकि दिल्ली में अपना विधानसभा है। अच्छा, तो जिस यूनियन टेरिटरी में अपनी विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, अपना चीफ मिनिस्टर होता है, हमने उसको स्टेट का दर्जा दे दिया। जैसे कोई लड़का है, लड़की जैसा लगता है तो हमने कहा तू लड़की है, बात ही खत्म। या कोई लड़की है, लड़का जैसा लगता है, हमने कहा तू लड़का है। तो बायोलॉजिकली तो वो कुछ और है लेकिन दिखता ऐसा है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से दिल्ली तो है यूनियन टेरिटरी लेकिन स्टेट की तरह काम करती है, अपना चीफ मिनिस्टर है, इलेक्शंस होते हैं, अपने एमएलए होते हैं दिल्ली में एमएलए, क्या दिल्ली में है इलेक्शंस। यस, क्या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, कौन है चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। हाँ, लेकिन अंडेमान के चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो वो यूनियन टेरिटरी रहेगी। तो जीएसटी में उस जिस यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अपना असेंबली है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, चीफ मिनिस्टर है, उस केस में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया। अच्छा, तो ये यूनियन टेरिटरी रहेगी। कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अच्छा, आप ये बताना, अंडेमान टू चंडीगढ़, इंटर स्टेट, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस हो गई ना भाई, आबादी खत्म हो गई, जब बाउंड्री क्रॉस हो जाए इंटर स्टेट लगा दो, चाहे वो दूसरी स्टेट में जाए, अंडेमान से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाए या इंडिया छोड़ के चले जाए। वो गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो भाई यहां पर बाउंड्री छोड़ दी है हमने, जमाना नहीं छोड़ना, बाउंड्री छोड़ दी है, तो यहां पर भी लगेगा आईजीएसटी। अच्छा, अब इंडिया टू यूएसए, इंडिया टू यूएसए, क्या क्या नाम, क्या दर्जा दोगे इसको।
इंटरस्टेट IGST USA टू इंडिया इंटरस्टेट बाउंड्री क्रॉस हो रही है ना भाई IGST और IGST लगाएगा कौन और बाद में स्टेट का शेयर करेंगे। अच्छा बस हो गया ये बात। आइए जरा तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या इंट्रास्टेट है क्या इंटर यूनियन टेरिटरी क्या इंटरस्टेट है। अब जरा आइए जरा मैं आपको इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज का बात बताऊं कौन कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी मानी जाएंगी कौन कौन सी स्टेट मानी जाएंगी। गाइस रियल लाइफ में कितनी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में और कितनी यूनियन टेरिटरीज 28 states और कितनी यूनियन टेरिटरीज 8 तो टोटल हमारे देश में 36 का आंकड़ा है 36 का आंकड़ा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। अब यूनियन टेरिटरीज 8 कौन कौन सी हैं दिल्ली पुडुचेरी जे एन के और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनाई है ना विभाजन करके JNK लद्दाख दिलादेगढ़ चंडीगढ़ में पुडुचेरी तो हो गई भाई कितनी बार लिखेंगे पुडुचेरी अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स और बताओ लक्ष्य को पाना है लक्षद्वीप स्पेलिंग मत देखना मेरी लक्षद्वीप की लेकिन ठीक है समझ 1 2 3 4 5 एक और रह गई भाई कौन सी हाँ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव वैसे दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली ये दोनों ना मर्ज हो गई हैं ये बात आपको शायद पता है नहीं आई डोंट नो ये दोनों मर्ज हो गई हैं क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरी को सरकार ने शायद साल दो साल हो गए इस बात को मर्ज कर दिया है पहले दमन एंड दीव अलग थी दमन एंड दीव अलग थी दादरा नगर हवेली अलग थी अब इन दोनों को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया ये शायद दो साल हो गए इस बात को क्यों कर दिया दोनों आपस में ज्यादा दूर नहीं थी तो जैसे वही वाली बात है दो घर हो तो दो घर में दो किचन हो मुश्किल होता है दो दरबान हो और दोनों घर आपस में ही पास पास थे तो हमने मर्ज कर दिया दो मकानों को एक ही मकान बना दिया उसमें क्या होता किचन अब एक हो गई दरबान एक हो गया तो मल्टीपल हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया तो ये 8 है। अब इस 8 में ना गाइस 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अपना लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो सकता है जो लॉज बना सकती है लॉ मेकिंग पावर है उनके पास दिल्ली में है चाहे लिमिटेड हो नो डाउट अबाउट दैट यूनियन टेरिटरीज है पूरी लॉ मेकिंग पावर नहीं है लेकिन कुछ तो पावर है पुडुचेरी में भी चीफ मिनिस्टर है और JNK में भी जब विभाजन किया गया JNK का दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया JNK एंड लद्दाख तो ये कहा गया कि JNK में चीफ मिनिस्टर होगा। अभी थोड़ी सी शांति और बहाल हो जाए थोड़ी और पीस आ जाए तो हम वहां पर चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन स्टार्ट करवा देंगे। तो इसलिए जो जीएसटी जो है सुनिए मेरी बात उसमें भी स्टेट्स 28 है बट यूनियन टेरिटरीज 5 हैं। वो जो 3 ये वाली है ना 1 2 3 इनको स्टेट का दर्जा दे दिया 3 डीम स्टेट्स तो जीएसटी में टोटल 31 यस जीएसटी में टोटल 31 स्टेट्स हैं मेरे बच्चों और 5 यूनियन टेरिटरीज है तो दिल्ली पुडुचेरी जेएनके को स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर दिल्ली में सप्लाई होगी पुडुचेरी में सप्लाई होगी जेएनके में सप्लाई होगी
तो यूटी नहीं लगाना बेटा, यूटी नहीं लगाना, आधा आधा यूटी की जगह क्या लगेगा? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा। तो अगर जम्मू कश्मीर में सप्लाई होगी, आधा स्टेट का जम्मू कश्मीर का, आधा सेंटर का। दिल्ली में सप्लाई होगी, आधा केजरी का, केजरीवाल जी का, आधा मोदी जी का। पुडुचेरी में सप्लाई होगी, आधा मोदी जी का, मोदी जी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा पुडुचेरी गवर्नमेंट का। लेकिन लद्दाख में, चंडीगढ़ में, अंडमान में, लक्षद्वीप में, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव में होगी, तो वहां की ही यूनियन टेरिटरी को आधा मिलेगा, आधा मिलेगा सेंटर को। ये बात क्लियर हो गई? चलो इसी कारण अब मुझे आप बताइए, नंबर ऑफ जीएसटी लॉज इन इंडिया, नंबर ऑफ जीएसटी लॉज इन इंडिया, हिंदुस्तान में जैसे इनकम टैक्स पढ़े तो एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन ऐसे जीएसटी के लॉज कितने हैं? सबसे पहले बताइएगा गाइस, सीजीएसटी एक्ट कितनी सारी होंगी हिंदुस्तान में? हाउ मेनी सीजीएसटी एक्ट इन इंडिया? वन। एक सीजीएसटी एक्ट है पूरे हिंदुस्तान में, उसी के कारण सीजीएसटी एक्ट लगता है, उसी कारण सीजी लगता है, सीजीएसटी लगता है। कितनी हमारे देश में एसजीएसटी एक्ट्स होंगी? One. नहीं, हर स्टेट की अलग अलग, तो हाँ 31 स्टेट लॉज। तो दिल्ली का एसजीएसटी, हाँ वो सेम है, एसजीएसटी एक्ट का जो लैंग्वेज है वो सेम है एज सीजीएसटी एक्ट, लेकिन बेटा पास तो अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने किया होगा ना, क्योंकि एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एसजीएसटी लगता है। तो दिल्ली का एसजीएसटी यूपी के एसजीएसटी से अलग है, मतलब अगर दिल्ली में माल बेचोगे तो दिल्ली एसजीएसटी एक्ट के कारण दिल्ली गवर्नमेंट को मिले। ठीक है सर, समझ आ गई बात। कितने यूटी जीएसटी एक्ट होंगे हमारे देश में? नहीं, वन। क्यों? क्योंकि वो तो यूटी, वो तो सारी यूनियन टेरिटरीज के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो पांच अलग अलग क्या करने हैं? और इनके पास तो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ही नहीं, यूटी के पास तो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ही नहीं, तो यूटी तो पास कर ही नहीं सकती एक्ट, यूटी तो पास कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो जो यूटी लॉ पास कर सकती है उन्होंने तो एसजीएसटी पास कर दिया, तो अंडेमान में तो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ही नहीं, तो अंडेमान तो यूटी जीएसटी पास कर ही नहीं सकती, तो उसके लिए बिहाफ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया। कितने आईजीएसटी कानून होंगे देश में? वन। एक कानून और है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो है बेटा जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। बेटा एक एक्ट और पढ़ाऊंगा, वो है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। टोटल करना जरा कितने हुए, टोटल करना बच्चों। What is the total laws you are getting? 35 laws. So guys, आपके सचिन गुप्ता सर आपको 35 laws पढ़ाएंगे और हर लॉ की फीस है 10,000 rupees। तो फीस जमा करवा दो। अब सुनो लॉजिक क्या है, हमारे सिलेबस में एसजीएसटी एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसजीएसटी एक्ट की लैंग्वेज तो सीजी की है, तो जैसे सीजी लगता है ऐसे एसजी लगता है। अगर पिज्जा आ रहा है, आधा मैं खा रहा हूँ आधा तुम खा रहे हो, जो मैं पिज्जा खा रहा हूँ वो सेम टू सेम वही है जो आपका है, तो मेरा पिज्जा को स्टडी कर लो, तो आपको जो आधा पिज्जा मिलेगा वो तो वही है, तो ये क्या करना? यूटी जीएसटी एक्ट में पढ़ाने में लगेगा 1 आवर। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट को पढ़ाने में लगेगा, ये लगा लो हाफ आवर, ये लगेगा हाफ आवर, आधा आधा घंटा लगेगा ये पढ़ाने में बस। आपको आईजीएसटी एक्ट पढ़ाने में लगेंगे आपको 2 क्लासेस। तो यानी कि जो हमें मेजरली एक्ट पढ़ना है ना सिलेबस में,
वो ये पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि एसजीएसटी एक्ट पढ़ना नहीं है, वो तो आधा पिज्जा मैंने खाया मेरा पिज्जा का देख लो वो चीज बस्ट है या अनियन कैप्सिकम ऑलिव्स सब डले हुए हैं, तो आपके अंदर भी वो चीज अनियन कैप्सिकम चीज बस्ट आपका भी होगा। यूटी जीएसटी एक्ट को पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, आई ये जीएसटी कंपनसेशन से इसको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, तो एक घंटे में तो ये दोनों लॉ तैयार करवा दूंगा। टू क्लासेस लगेंगी आईजीएसटी एक्ट में, टू क्लासेस लगेंगे आईजीएसटी में बस, तो लगभग लगभग तीन क्लासेस, यानी कि एक दो तीन क्लासेस लगा लो मैं ये सब खत्म। तो हमारा सारा मेजरली टाइम गाइस वी आर गोइंग टू यूज इन स्टडिंग सीजीएसटी, दैट इज द मदर एक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड व्हाट इज दिस जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट? फ्रेंड्स व्हेन जीएसटी वॉज अबाउट टू बी इंट्रोड्यूस्ड स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत रास्ते में रोड़े लगाए कि भाई ऐसा ना हो हमारा रेवेन्यू कम हो जाए, तो गवर्नमेंट का डोंट वरी इफ यू इनकर एनी लॉस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वी विल रीइंबर्स द लॉस, वी विल पुट एक्स्ट्रा टैक्स नोन एज जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एंड वी विल लेवी द टैक्स रिकवर द अमाउंट एंड गिव इट टू यू फॉर योर कंपनसेशन ऑफ द लॉस। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है जीएसटी के अलावा, यस ये जीएसटी सेस अलग से लगाया जाता है सो दैट जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करे। जैसे हमारी फीस 10,000 रुपीज है और हमें लग रहा है यार इस बार खर्चे ज्यादा होने वाले, तो हमने कहा बच्चों आप लोगों को 10,000 के साथ 500 रुपए और देने। सर क्यों 500 रुपए देने हैं? मैंने कहा ये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है क्योंकि बिजली महंगी हो गई है, हमें खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी सेस। आपको 10,500 देने पड़ेंगे फीस के, फीस के 10 ले रहे हैं, 500 रुपए हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे खर्चे एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट लिमिटेड गुड्स पर, यस मेरे बच्चों लिमिटेड गुड्स पे लगाया जाता है, जैसे पान मसाला आपका तंबाकू और कुछ लिमिटेड केसेस में लगाया जाता है। और इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डर था जीएसटी आने से लॉस ना हो जाए, तो इस लॉस की भरपाई के लिए सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेस लगाया। हाँ ये सेस का पैसा स्टेट के पास जाता है जिस स्टेट्स को भी जीएसटी आने के बाद लॉस हो रहा है उनकी भरपाई के, इसमें सेंटर अपने पास नहीं रखता कुछ, बाकी सारे टैक्सेस आधे आधे लगते हैं। ये सेस स्पेसिफिकली स्टेट्स की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए लगाया जाता है, पढ़ेंगे इसको ढंग से कभी। चलिए यहां तक कोई क्वेरी कोई डाउट? चलो तो गाइस जीएसटी में जरा अब इस टेबल को देख लीजिए। तो जीएसटी मेरे प्यारे बच्चों स्टेट सप्लाई हो सेम स्टेट, स्टेट हमारे देश में 31 हो गई सीजी प्लस एसजी, यूनियन टेरिटरी 5, ये 31 हो गई अप्रोक्सीमेटली, अब 31 ये हो गई 5 यूनियन टेरिटरी 5। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी से बाहर चला जाए माल, दिल्ली से बाहर चला जाए, यूपी से बाहर चला जाए, या इंडिया से बाहर चला जाए, या इंडिया में आ जाए, सबको इंटर स्टेट कहते हैं और इंटर स्टेट लगता है आईजीएसटी एक्ट। टोटल लॉस 35, टोटल लॉ 35, टोटल स्टेट्स 31, हमारी टोटल स्टेट्स 31, 5 यूनियन टेरिटरीज। चलिए और नॉलेज को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस। जीएसटी में बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। इसको समझाने के लिए आपको मैं वैट पे ले चलता हूं। लास्ट क्लास में जब हम वैट कर रहे थे गाइस, मुझे बताइएगा क्या आपको वैट से सीएसटी का क्रेडिट था? वैट से सीएसटी का क्रेडिट था? नहीं था। वैट से सैंडवैट का क्रेडिट था? बिल्कुल सही, यानी कि वहां पर यह था कि गुरु विद्या का कूपन गुरु विद्या में ही चले,
एक्स वाई जेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का कूपन गुरु विद्या में नहीं चलेगा और गुरु विद्या का कूपन एक्स वाई जेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं चलेगा। ऐसा ही था, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेकिन जीएसटी में क्या ये लिमिटेशंस होनी चाहिए या ये लिमिटेशंस दूर कर देनी चाहिए? लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी बेटा, अब जब हम दूसरी स्टेट से माल खरीदेंगे तो आपकी खरीद पे कौन सा टैक्स लगा होगा, सोच के बताना। दिल्ली के आप हो और आप यूपी से, बिहार से, अंडमान से माल खरीद रहे हो तो वो आपके बिल पे कौन सा टैक्स लग के आएगा? आईजीएसटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आईजीएसटी लग के आएगा। क्या बढ़िया बात बोली। अब तुम दिल्ली में माल बेच रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? हाँ, अब लेकिन दिया तो तुमने आईजी है और देना है सीजीएसजी। अगर ये बोलते ना दूसरी स्टेट से खरीदो दोगे जीएसटी, दिल्ली में बेचो दोगे जीएसटी, तो नाम सेम होता तो क्रेडिट मिल जाता। अब प्रॉब्लम ये आएगी, जीएसटी है तो एक जीएसटी लेकिन उसके नाम अलग अलग है। ये तो झगड़े का रीजन हो रहा है हिंदू मुस्लिम में। भगवान तो एक है, मुस्लिम कह रहा है अल्लाह अल्लाह राम, और हिंदू कह रहा है कृष्ण कृष्ण और राम और शिव। है तो वो एक, जैसे ही नाम कर दिया अलग अलग भेदभाव हो जाएगा। बहुत समझो मेरी, बहुत डीप बात है जो बात करवा रहा हूं। इससे ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट और इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट और इससे ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट जीएसटी में कभी नहीं करवाऊंगा। आज की जो क्लास में करवा दूंगा, अभी जो करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, जीएसटी तर गई, यू विल बी एबल टू क्लियर जीएसटी आराम से। ये कॉन्सेप्ट भी समझा, जीएसटी बर्बाद। सो दिस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर बोलते इंटर स्टेट पे जीएसटी, नाम होता जीएसटी, इंट्रा पे भी जीएसटी, तो क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। खरीद पे क्या जीएसटी, लेकिन अब खरीद पे क्या आईजी, मतलब खरीद पे आईजी, बिक्री पर सीजीएसजी। अब क्रेडिट कैसे लोगे? या तुमने सुनो खरीदा सेम स्टेट से तो कौन सा टैक्स दिया होगा? सेम स्टेट से खरीदा और बेचोगे दूसरी स्टेट में तो कौन सा देना है? अच्छा, प्रॉब्लम ये कि सीजीएसजी का आईजी से क्रेडिट मिलेगा क्या? ये प्रॉब्लम आ गई। अब अगर आपने माउस, ये माउस दिखाई दे रहा है, खरीदने पे ये होता, बेचने पे ये होता, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम चीज है, लेकिन नाम तो अलग अलग है। ये तो झगड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम, समझ ही नहीं आ रहा भाई। अल्लाह राम कृष्ण क्राइस्ट सब एक है, वो नाम अलग अलग दे रखे हैं। झगड़ा ये हो रहा है, बिजली तो सबके अंदर सेम है, बल्ब में भी, ट्यूबलाइट में भी, लैंप में भी, तुम्हारी मोबाइल के टॉर्च में भी, लेकिन तुम झगड़ रहे हो मेरी मोबाइल की टॉर्च बेटर है, तेरा बल्ब बेकार है, तेरी ट्यूबलाइट बेकार है। अरे गधो, कर क्या रहे हो? चीज तो एक ही है, सबके अंदर बिजली है। अभी तो कोई समझ आती नहीं, किसी कोई समझदार इंसान है ही नहीं मुझे लग रहा हिंदुस्तान में क्या, जो इनको समझा दे। मुझे बीड़ा उठाना पड़ेगा मुझे लग रहा है समझाने का। करता हूं मैं कुछ, मुझे पहले तुम्हें जीएसटी प्रान से फुर्सत मिले तो ये लोगों को समझाऊं जाके। एनी हाउ, तो प्रॉब्लम ये आ रही है, आपके इंट्रा पे जीएसटी अलग है, इंटर पे जीएसटी अलग है, और अगर फिर सेट ऑफ कैसे दोगे तो गवर्नमेंट ने सेट ऑफ का प्रोसीजर बना दिया। गवर्नमेंट ने कहा सेट ऑफ कैसे होगा हम आपको सिखाते हैं, आइए जरा देखिए जरा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए देखा ये चार्ट कैसे बना रहा हूं मैं, हाउ आई एम मेकिंग द चार्ट, पहले ये देख लो।
अच्छा आपके आउटपुट पे, आउटपुट समझते हो आप लोग, आउटपुट समझते हो, व्हाट इज आउटपुट? हाँ क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट हो गए तुम तीन क्लासेस में, वेरी गुड। आउटपुट पे आपके यही पांच टैक्सेस हो सकते हैं, जरा देख के बताना। क्योंकि आउटपुट पे आपके यही चार टैक्स, पांच टैक्सेस होंगे, मरे से मरा आईजी होगा, मरे से मरा सीजी होगा, एसजी होगा, यूटी। तो जीएसटी एक है, जीएसटी एक है, लेकिन पांच टैक्स हैं उसके अंदर। जैसे भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, तो पांच एक है, रूप पांच है। अच्छा जो तुमने माल खरीदा होगा, इनपुट जीएसटी क्या मतलब, इनपुट जीएसटी का क्या मतलब? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो आपने परचेज करा होगा तो आपकी कौन से टैक्सेस होंगे इनपुट पे? या तो आईजीएसटी होगा, या अगर आपने सेम स्टेट से लिया तो सीजीएसटी होगा, अगर आपने सेम स्टेट से लिया है तो एसजीएसटी लगा होगा, यूनियन टेरिटरी से लिया है तो यूटीजीएसटी होगा, और साथ में हो सकता है जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगा हुआ हो, अगर वो गुड्स ऐसे हैं जिस पे जीएसटी सेस लगता है। तो बेटा आपके खरीद पे पांच कूपन्स होंगे, बिक्री पे पांच कूपन्स होंगे, कूपन्स मतलब टैक्स होंगे, ये बात क्लियर है? आप खरीद लो, कोई भी चीज खरीद लो, गुड हो, सर्विस हो, देसी हो, विदेशी हो, पांच जीएसटी के टैक्स हो सकते हैं उस पे। एक ही वे पांचों नहीं होंगे, किसी पे एक होगा, किसी पे दो होंगे, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. और ऐसे ही आपकी जो बिक्री हो रही है, जो आपकी सेल हो रही है, जो सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड, आउटपुट, उस पे पांच होंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया अगर तुम्हारा खरीद का आईजीएसटी है तो सबसे पहले आईजी का क्रेडिट आईजी से लो, आईजी का क्रेडिट आईजी से लो। अगर तुम्हारे खरीद पर आईजी का टैक्स है और बिक्री करके आईजी आया है तो आईजी का आईजी के से मिला लो। जैसे अगर खरीद पे तुम्हारा माउस है, बिक्री पे माउस है, तो माउस माउस तो सेम है, लेकिन अगर आईजीएसटी का क्रेडिट तुम सीजीएसटी से भी ले सकते हो और एसजी और यूटीजीएसटी से भी ले सकते हो, तो टू और थ्री, यहां पर वर्ड क्या लिख दिया, टू और थ्री, यानी कि पहले आपको खरीद के आईजी का क्रेडिट बिक्री के आईजी से लेना है, यानी कि अगर आपने इंटर स्टेट परचेस करी है और इंटर स्टेट सेल करी है, सुनो मेरी बात मेरे लड्डू गोपाल, इंटर स्टेट परचेस करी है, इंटर स्टेट सेल करी है, तो गवर्नमेंट कहती है खरीद का क्रेडिट इंटर और इंटर स्टेट सेल से ले लो। अरे सर मैंने तो इंटर स्टेट सेल नहीं करी, मैं तो खाली दिल्ली में ही बेचता हूं, खरीदता दूसरी स्टेट से हूं, तो जब दिल्ली में बेचते हो तो सीजीएसजी होगा ना, ले लो क्रेडिट, मना नहीं कर रहे, लेकिन सर सीजी से लूं एसजी से लूं, ये बताओ। बीच में क्या लिख दिया, यानी कि आप सीजी से लेना चाहो सीजी से ले लो, एजी से लेना चाहो एजी से ले लो। तो यहां पर लिख दिया एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन, इसका मतलब आप 60-40 लेना चाहो, 70-10 लेना चाहो, सारा का सारा सीजी से लेना चाहो, सारा का सारा एजी से लेना चाहो, हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ जीएसटी सेस से नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी सेस तो कंपनसेशन के लिए है ना, उससे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि बेटा अगर आपने इंटर स्टेट परचेस करी है तो पहले क्रेडिट किससे मिलेगा, इंटर स्टेट सेल से। और सर मैंने इंटर स्टेट सेल ही नहीं करी, मैंने तो सेम स्टेट में सेल करी या सेम यूनियन टेरिटरी में करी, तो सीजीएसजी या सीजीयूटी होगा, तो पहले किससे लेना है, सीजी से, एसजी से, या कोई भी प्रेफरेंस है? अरे सर मेरे पास तो आईजी का कूपन ही नहीं है, मेरे पास तो सीजी का कूपन है खरीद पे, सीजी का कूपन कैसे आएगा खरीद पर, सीजी का कूपन कैसे आएगा खरीद पर? हाँ सेम सेट से खरीदा, तो सेम सेट से खरीदा
तो सीजी और एसजी दोनों ही होंगे ना आपके पास तो? हाँ ये बात सही है सर, लेकिन पहले आपको सीजी यूज करना है। अच्छा तो देखो जी, देखो जी, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। अच्छा अगर आपने सेम सेट से खरीदा है और सेम सेट से खरीदोगे तो 50 सीजी होगा, 50 एसजी होगा, या 50 सीजी होगा, 50 यूटी होगा। गवर्नमेंट कहती है पहले सीजी लेना है। अब आप सोच के बताना अपनी अकल से, सीजी का कूपन बिक्री के किस टैक्स से लोगे पहले? खुद अकल लगा के बताना। हाँ पहले सीजी का सीजी से लेना, क्योंकि सेम टू सेम से लेना है पहले। लड़का लड़के से बात करेगा पहले, लेकिन अब लड़का लड़की दोनों की आपस में बातें अलाउ कर दी हमने, लेकिन हमने कहा पहले लड़का लड़के से बात करे, लड़के खत्म हो जाए लड़की से बात कर ले, कोई नहीं। तो बचा हुआ क्रेडिट कहां से लेना है? आईजी से, लेकिन यहां से अलाउड नहीं है, सीजी का एसजी से अलाउड नहीं है। क्यों भैया? आधा आधा लगाना है। अगर ये भी आपस में क्रेडिट बांट दोगे तो बचेगा क्या? 6% था, 3 तुम्हारा 3 मेरा, और हम आपस में भी क्रेडिट दे दे 3-3 का, तो भाई तुम्हारा 0 हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, वो तुम चाहते नहीं। तो सीजी का एसजी से क्रेडिट नहीं है, और जीएसटी सेस से तो वैसे भी नहीं होने वाला। अच्छा एसजी का क्रेडिट या यूटी का क्रेडिट पहले किससे लोगे? बिल्कुल सही, इससे लोगे, एसजी से या यूटी से। हाँ एसजी का एसजी से लोगे, ये बात याद रखना, यूटी का यूटी से लोगे। और ये भी याद रखना वो एसजी अगर दिल्ली की है तो दिल्ली के एसजी से ही मिलेगा, यूपी के एसजी से नहीं मिलेगा, ये भी बात याद रख लेना। ये यूटी जीएसटी है, इसमें तो सेम है, यूटी तो है ही एक एक्ट, लेकिन जो एसजीएसटी है वो एसजीएसटी से मिलेगा, सीजी से नहीं मिलेगा। और बचा हुआ आईजी से ले लो, ये प्रेफरेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। जीएसटी सेस से नहीं मिलेगा, जीएसटी सेस खरीद पे दिया है ना, आईजी से मिलेगा ना, सीजी से मिलेगा ना, एसजी यूटी से मिलेगा, कहां से मिलेगा? जीएसटी सेस से। तो जीएसटी सेस का क्रेडिट जीएसटी सेस से मिलेगा। ये जीएसटी का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके अलावा जीएसटी में सब चीजें हैं, बट गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अब मुझे बताइए, आपने इंटर स्टेट परचेज भी करी है और आपने इंट्रा परचेज भी करी है, तो पहले कौन सा कूपन यूटिलाइज करना है? कौन सा इनपुट टैक्स यूटिलाइज करना है पहले? आईजीएसटी वाला, आईजीएसटी, आईजीएसटी से जाएगा। बचा हुआ सीजी और एसजी या यूटी, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? एसजी या यूटी दोनों एक जैसे हैं। आप आईजी एसजी से ले लो, यूटी से ले लो, सीजी से ले लो, आपकी मर्जी। फिर सीजी का कूपन यूज करना है सीजी से, बचा हुआ आईजी से, फिर एसजी और यूटी जीएसटी अगर आपके पास है तो एसजी का कूपन सेम एसजी से लोगे? यस, दिल्ली का दिल्ली से, यूपी का यूपी से, और यूटी वाला है तो यूपी, यूटी और एसजी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में से कोई भी पहले यूज कर लो, एसजी यूज कर लो दिल्ली का या यूटी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां से? वहां से, बचा हुआ आईजी से, यहां से नहीं मिलेगा। और जीएसटी सेस आपको कहां से मिलेगा? खाली जीएसटी सेस। आइए जरा अब हम इस चार्ट को ऊपर, चार्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका 50% भी समझ आ गया तो बढ़िया, प्रैक्टिकली करेंगे 100% समझ आ जाए। या कुछ somebody was saying something, any queries, any doubts? माइक के पास आके बोलना पड़ेगा बेटा। सही नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं? यस सर। तो कर लो, कितने नोट इकट्ठे किए?
2000 के नोट इकट्ठे हो जाए ना चार पांच, तो मेरे पास कोरियर कर देना, पेटीएम कर देना, पेटीएम। हाँ नंबर ले लो, मैडम से ले लो, सर से ले लो। ये तो 100 नंबर पे कर देना। बड़े खुश हो जाएंगे। बारिश कर दूं नोटों की जो तू हो जा मेरी। घर ही बैठे रहेंगे तुम्हारे। चलो बढ़िया, क्या हुआ? अच्छा चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चंस करते हैं जी जीएसटी के ऊपर। नाउ आइए केस वन या क्वेश्चन नंबर वन कर लेते। रामलाल सप्लायर ऑफ दिल्ली, ये सारे क्वेश्चन ये अज्यूम करके करेंगे दिल्ली का सप्लायर है, सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली। दिल्ली बेस्ड है, इंट्रा करते हैं। चलो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिल्ली 10,000 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, मार्जिन 50%, सोल्ड गुड्स इन दिल्ली जीएसटी 12%। आपको दो काम करने हैं, इसका जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे। कॉपी करिए, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप करना। जी देखो जी, जीएसटी में आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको तीन स्टेप्स में आंसर आना चाहिए। पहला स्टेप होगा आउटपुट टैक्स निकालना, दूसरा इनपुट टैक्स निकालना, और तीसरा जीएसटी पेबल निकालना। पहला स्टेप आउटपुट टैक्स, दूसरा इनपुट टैक्स, तीसरा जीएसटी पेबल। ये जरा सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया, रिपीट करो मेरे साथ। हाँ आउटपुट जीएसटी, तो हेडिंग डालो कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी बोले तो जो मैंने बिक्री करी है उस पर जीएसटी मुझे कितना लगाना है। हाँ जी आओ, क्या आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकाल के दी हुई है? क्या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकाल के दी हुई है? अगर क्वेश्चन आपको सेल्स का फिगर दे दे कि दिल्ली में इतना माल बेचा, यूपी में इतना माल बेचा, तो आपको ना कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें कॉस्ट शीट इसलिए बनानी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकाल के दे दे कि सचिन सर आपने दिल्ली में इतना माल बेचा, यूपी में इतना माल बेचा, तो मैं सीधा उस पे जीएसटी लगाकर पता लगा लूंगा कि कितना जीएसटी मुझे जमा करवाना है। यहां पर सोल्ड गुड्स तो लिखा है,
लेकिन मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, इसलिए मुझे आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, सुन लो मेरी बात, वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी रेट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है, मेरी सेल की वैल्यू, अब वो तो दी नहीं ना आपको, खाली आपको लिखा है सेल किया है, और जीएसटी रेट दिया हुआ है, हाँ वो दिया हुआ है 12। अब ये जीएसटी रेट आईजी वाला होगा, एसजी वाला होगा, दिल्ली में बेचे हैं और मैं दिल्ली का ही बंदा हूं, तो ये समझ जाऊंगा कि ये जो जीएसटी है मेरा कौन सा होगा। तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू जिस पे जीएसटी लगाऊंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेस से आउटपुट निकालना पड़ेगा। परचेस की फिगर क्या लूं मैं, 10,000। मैंने तो वैसे 11,200 का माल खरीदा होगा ना, 1200 रुपए दिए होंगे जीएसटी के, तो मेरे पास जो परचेज होगा वो मैं 10 ही लूंगा, क्योंकि जो 1200 रुपए मैंने इस पे दिए होंगे वो मैं क्रेडिट के रूप में ले लूंगा, और कहां से ले लूंगा, आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर लूंगा। तो जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है गाइस, मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करता, मैं गवर्नमेंट से ले लेता हूं। यस आई हैव पेड 11,200, नो डाउट, बट मुझे क्रेडिट 1200 का मिल जाए, तो जब 1200 का क्रेडिट मिल जाएगा, आई विल नॉट बर्डन दी 1200 रुपए ऑन दी कस्टमर, आई विल टेक आउट दिस 1200 रुपए फ्रॉम दी गवर्नमेंट। मार्जिन कितना, 5,000, 50%। मेरी सेलिंग प्राइस आ गई विदाउट जीएसटी 15,000। नाउ आई विल लेवी, ये मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, इसको कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, बिना जीएसटी लगाए उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए था। तो हमेशा क्वेश्चन में ढूंढना वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, विदाउट जीएसटी, उस पर तो जीएसटी लगाना है। अच्छा, तो वैल्यू का मतलब होता है बेटा सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी, क्योंकि उस पे अब जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है आपको, क्योंकि मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, अभी सिखाया मैंने, अभी मैंने सिखाया, आप दिल्ली के हो, दिल्ली में बेच रहे हो, तो आपका जो जीएसटी लगेगा आउटपुट जीएसटी कौन सा लगेगा, हाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है ना बालक, मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई अभी सिखा दिया। अगर ये यूनियन टेरिटरी होता, अंडेमान होता, तो मैं इंट्रा यूनियन टेरिटरी बोलता, और उसमें मैं लगाता आधा आधा सीजी आधा यूटी। अगर मैं दिल्ली से यूपी माल बेचता तो इंटर स्टेट लगाता, लेकिन ये तो हुआ नहीं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा, कितना कितना, ये 12 पे मैंने माल बेचा है तो आधा आधा लगता है बेटा, 6-6%, और 15,000 का 6% 900, 900, तो मेरा सेलिंग प्राइस विद जीएसटी आ गया 1,800, 16,000। ये वैल्यू नहीं है ना, इसको वैल्यू नहीं कहते, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसको नहीं कहते बेटा, ये विद जीएसटी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसको कहते हैं, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है, ये इंक्लूसिव है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव। हाँ, अगर एग्जाम में 16,800 दिए हुए हो इंक्लूसिव, तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 16,800 का माल बेचा विद जीएसटी और 12, तो क्या आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो, वो रिवर्स करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हम मान लेंगे 16,800 118 पे है, 112 पे है, इसका रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें से हमें 1800 हटाने पड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू किसको माना जाता है, विद जीएसटी फिगर को, विदाउट जीएसटी फिगर को, हाँ क्योंकि वैल्यू पे जीएसटी लगाना है ना, जैसे सॉक्स के ऊपर शूज पहनते हैं, तो शूज दिया हुआ है तो सॉक्स अंदर है ना उसके, बात समझो। अच्छा, ये हमारा आउटपुट जीएसटी आ गया जो हमें 900, 900। इनपुट जीएसटी बताओ मेरा बेटा, स्टेप टू,
इनपुट जीएसटी आप बताओ, उसके लिए आपको चाहिए, सुनो ये चाहिए थी वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके चाहिए वैल्यू ऑफ इनपुट इनटू जीएसटी रेट, वैल्यू ऑफ इनपुट इनटू जीएसटी रेट। अच्छा वही वैल्यू ऑफ इनपुट का क्या मतलब, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चेक करो आपको माल कितने का खरीदा, 10,000 और एक्सक्लूसिव ही दिया हुआ है, बढ़िया। अगर क्वेश्चन में आ जाता 11,200 का माल लिया है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो फिर वैल्यू निकालनी पड़ती हमें रिवर्स कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ तो बिना टैक्स के दिया हुआ है फिगर 10,000, तो वैल्यू ऑफ इनपुट हो गई 10,000 और जीएसटी रेट कौन सा लगेगा, 12%, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। कितना कितना आपने खरीद पे दिया, 600 इधर दिया, 600 इधर दिया, ऐसे आपने किया, ऐसा कर लो ना, वैल्यू ऑफ इनपुट 10,000 का इंटू 6%, 10,000 का इंटू 6% या 10,000 का 12%। बिल्कुल सही है सर। स्टेप 3 कहता है, ये जब आपको समझ आ जाएंगी चीजें, इतना लंबा नहीं काम करना पड़ेगा, अभी मैं समझाने के लिए लंबा काम कर रहा हूं। जब हमें समझ आता था रास्ते से शॉर्टकट भी ले लेते हैं, पहले दिन जब जाते हैं किसी से मिलने तो हमें शॉर्टकट नहीं पता होता। शॉर्टकट कब समझ आता है, जब 3-4 बार रास्ते से चले जाओ, अरे यार ये रास्ता भी है, अरे यार ये रास्ता भी है। तो अब सेट ऑफ करो ऑफ इनपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, या इनपुट जीएसटी कह लो फ्रॉम आउटपुट जीएसटी, टैक्स की जगह जीएसटी लिख लो, इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट। इसके लिए वो टेबल बनाना पड़ेगा, कैसे सर, आपके आउटपुट पे जो जो टैक्सेस हैं आप लिख लो, बताइए आउटपुट पे कौन कौन से टैक्सेस हैं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, कितना कितना, 900 900 900 900। और तुम्हारे इनपुट पे जो टैक्सेस हैं वो लिख लो, सीजीएसटी है इनपुट पे कितना, 600 और एसजीएसटी कितना है, 600। ये ऐसे हो गया, देखो बेटा, तो जो तुम्हारा आउटपुट के टैक्सेस हैं वो लिख लो और इनपुट के टैक्सेस हैं वो लिख लो। आउटपुट के 2 हैं, इनपुट के 2 हैं। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1, वन का वन से, अरे सर आईजी तो है ही नहीं मेरे पास, तो वन वाला टॉपिक पॉसिबल नहीं है, वन वाला जो कॉन्सेप्ट था पॉसिबल नहीं है, वन मतलब वन, पहले वन, वन वाला कॉन्सेप्ट तो पॉसिबल नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। वन वाला टू सेकेंड स्टेप भी पॉसिबल नहीं हुआ, आईजी है ही नहीं, थर्ड स्टेप भी पॉसिबल नहीं हुआ, कोई नहीं क्योंकि मेरे पास आईजी है ही नहीं। अच्छा फिर सीजी है मेरे पास, यस, तो चौथा स्टेप कहता है सीजी का सीजी से समन्वय है, तो चौथे स्टेप में सीजी का सीजी है, 1 2 3 स्टेप तो हुए ही नहीं, तो सीजी का सीजी से ले लो, तो सीजी का सीजी से ले लो, ये 600 का यहां से 600 ले लो, सीजी का कूपन खत्म। फिर बचा हुआ कूपन सीजी का आईजी से, अरे बचा हुआ कहां रह गया, पांचवा स्टेप भी खत्म। छठा स्टेप कहता है एसजी का एसजी से लो, 600 यहां से ले लिए, और सातवा कहता है बचा ही नहीं। तो फिर अब आपका जीएसटी पेबल जो आपको बचा हुआ पे करना है, कूपन ले लिया, 300 रुपए सीजी जमा करवाने हैं, 300 रुपए एसजी जमा करवाने हैं, तो आपकी टोटल जीएसटी लायबिलिटी है 600 रुपए की। आपने 1800 में 1200 का क्रेडिट ले लिया, टोटल आपने क्रेडिट, ऐसे टोटल अगर दिखाना चाहें तो टोटल 1800 1200 600। बोलो बात समझ आई नहीं आई, yes, sir. 3 स्टेप्स में बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, 3 स्टेप्स में सिस्टमैटिकली करिए, आप गलती कर ही नहीं सकते।
कि आउटपुट जीएसटी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, वो रेट देख लेंगे कौन कौन से है। इनपुट जीएसटी मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट, और वैल्यू निकालते वक्त जीएसटी घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, जीएसटी हटाना है फिर जीएसटी लगाना है। क्वेश्चन बोल दे 15,000 इंक्लूडिंग जीएसटी मान लिया है, तो बेटा फिर तो हमें रिवर्स वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा अभी, डोंट वरी, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा, ये ओके रिपोर्ट है तो हम दूसरे क्वेश्चन पे उतरू गाइस। चलो ग्रेट, बिल्कुल सिस्टमैटिकली, एक बार जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम सीधे थर्ड चार्ट पे आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड चार्ट हम मेंटली कर लिया करेंगे, लेकिन स्टिल एग्जाम में ना आप 1, 2, 3 करके दिखाओ, सुनो मेरी बात, step 1, step 2, step 3 या मेन आंसर दिखाओ step 3 और 1 और 2 को वर्किंग नोट में दिखाओ। दो प्रेजेंटेशन के तरीके हैं सीएमए वालों के लिए, सीएस वालों के लिए नहीं, उनको तो खाली एबीसीडी पिंकी पिंकी पॉन्ग की माई फादर है द डोंग की, वो 300-300 रुपए दिखा देंगे। लेकिन गाय जो सीएमए वाले हैं उनको क्या करना है, या तो 1, 2, 3 अप्रोच, या थर्ड वाले को मेन आंसर बनाकर पहले पेज पर और step 1 और step 2 को working note 1, working note 2 बनाए। तो फर्स्ट पेज पे आप ये चार्ट दिखाएंगे step 3 वाला, और आप वर्क आउटपुट जीएसटी working note 1 इनपुट जीएसटी working note 2 करके दिखा। लेकिन मुझे लगता है 1, 2, 3 अप्रोच सही है, ये भी कर सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत जी। बोलो ये तीनों स्टेप्स टाइप करते होंगे, एक माइक के पास, माइक के पास आके बोलना पड़ेगा, या हैंड वाला माइक है ना वो बोलना सर को कि हैंड वाला माइक ले आए वायरलेस वाला, तो वो आप अपने बैठ बैठ के बोल सकते हो। सर ये तीनों स्टेप्स टाइप करने होंगे हमें, टाइप करने होंगे, टाइप मींस एग्जाम में टाइप करना होता है ना आंसर। नहीं वो तो देखो पेपर अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वो तो फिर आपके ये बने हुए होंगे, परफॉर्मा बने हुए होंगे कि भाई आपको इन्हें फिगर्स डालने होंगे खाली। yes, और अगर जहां पर पेपर आपका मैनुअल होता है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो अगर पेपर ऑनलाइन होता है और पूरा ही ऑनलाइन होता है तो उस केस में आपके परफॉर्मा बना के देंगे, आउटपुट जीएसटी ब्लैंक कर देंगे, वहां पर फिगर्स भरने पड़ेंगे आपको बस। Okay, ऐसे रहता है, ऐसे तो पागल हो जाओगे भाई, अगर ये टाइप करना पड़ जाओगे, कॉलम बनाने पड़ जाए, हाथ से तो कुछ भी लिख लें लेकिन टाइप करने पड़ जाएंगे तो पागल हो जाओगे। चलो गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेस्ड खुद करना ये गुड्स फ्रॉम यूपी, यूपी फॉर 10,000 प्लस 12% जीएसटी, मार्जिन 50%, सोल्ड इन दिल्ली 12% जीएसटी। नाउ गाइस व्हाट आई हैव डन इज ही इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनदर स्टेट एंड सेलिंग गुड्स इन दिल्ली। मोटा मोटा मुझे बता दो विच इनपुट टैक्स विल बी देयर, एंड विच आउटपुट टैक्स विल बी देयर। तो अब देखना है कि हमें कौन से स्टेप में क्रेडिट मिलेगा, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, करो डू इट योरसेल्फ एंड प्लीज मेक ऑल द 3 स्टेप्स, step 1 step 2 जैसे मैंने लिखवाए 3 स्टेप्स, तो step 1 आउटपुट जीएसटी, step 2 थर्ड स्टेप सेट ऑफ करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, करिए जरा।
आउटपुट वैल्यू निकालिए। आउटपुट वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि आपको सेल प्राइस नहीं दिया हुआ, तो सेल प्राइस के लिए परचेज से सेल पे पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, आउटपुट पे जीएसटी बताना कितना आ रहा है। आई थिंक सीजी और एसजीए आ रहा है क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में भी दिल्ली में माल बेचा था, इसमें भी दिल्ली में माल बेचा है, तो इस केस में तुम्हारी परचेज क्या ले, वही 10,000, मार्जिन वही बेटा 50%, 15,000, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई। इस पे तुम्हें जीएसटी का रेट लगाना है 6% CGST, 6% SGST। तो CGST हो गया वही 900 रुपए, SGST हो गया 900 रुपए, तुम्हारा माल बनके तैयार हो गया 16,800। ये हो गया सेलिंग प्राइस विद जीएसटी कह लो इसको, उसको ऊपर वाली को वैल्यू कह लो। वैसे वैल्यू होती है ये वाली विदाउट जीएसटी, ये विद जीएसटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप इनपुट। हाँ, वैल्यू ऑफ नहीं, इनपुट जीएसटी निकालना है, इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी का भी फॉर्मूला क्या बेटा याद रखना है, वैल्यू ऑफ इनपुट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। उसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट से खरीदा, क्या खरीदा। तो मेरी वैल्यू ऑफ इनपुट है, उसमें बिना टैक्स के कितने का माल है, बिना टैक्स के कितने का माल है। सर बिना टैक्स के जो माल है वो 10 का है और इसमें जीएसटी रेट लगेगा 12% IGST, दैट इज 1200 रुपए।
अब स्टेप तीन कहता है सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ के लिए आउटपुट पे कौन कौन से टैक्सेस हैं? ओए होए मेरे बच्चों कितने इंटेलिजेंट हो गए। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना? 900 एक सेकंड बेटा, नहीं नहीं एक सेकंड, एक हाँ जी आउटपुट जीएसटी बताओ। 900 और इनपुट जीएसटी 1200 और इनपुट जीएसटी जो तुम्हारा है वो है आईजीएसटी और ये है 1200 रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है नंबर वन सेट ऑफ, नंबर वन सेट ऑफ तो हो नहीं सकता क्योंकि आईजी का आईजी में है ही नहीं, नंबर टू सेट ऑफ और नंबर थ्री में कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो अब क्या करें? तो 1200 पहले 900 कर दें फिर बाकी 300 करें, या एजी से 900 करें सीजी से 300 करें, एग्जाम में बड़ी दुविधा आएगी। तो क्या करना, एग्जाम में 1200 को ना 600 600 दोनों को कराना और एक नोट दिया ना एग्जाम के अंदर कि भाई आईजी का क्रेडिट सीजी एसटी एसजी एसटी में स्टार लगा के कैसे भी सेट ऑफ किया जा सकता है, या तो पूरा सीजी से ले सकते थे पूरा एसजी से ले सकते थे, या 800 400 700 500 500 700 भी कर सकते थे, हमने इक्वल इक्वल ले लिया ऑल्टरनेटिवली। यस, तो यहां पर आप लिखेंगे जीएसटी पेबल 300 और 300। एक सेकंड, तो 300 300 आपको करना है, तो जीएसटी पेबल 300 300। अब नोट क्या देना है, आईजीएसटी क्रेडिट, आईजीएसटी क्रेडिट एक सेकंड बेटा, आईजीएसटी क्रेडिट जो है आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ आइदर फ्रॉम सीजीएसटी आइदर फ्रॉम सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी प्रपोर्शन इन द सॉल्यूशन वी हैव सेट ऑफ इक्वली फ्रॉम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लो जी, समझ आ गई बात बच्चों? यस सर।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर थ्री। आपको ऐसे ना एग्जाम में नोट पक्का देके आना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको पता था ये बात कि सेट ऑफ कैसे करना है, हमने नहीं किया पूरा, हमने आधा आधा कर दिया, लॉ में नहीं लिखा आधा आधा। थर्ड क्वेश्चन, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली, वही 4 rupees 10,000, जीएसटी 12%, मार्जिन 50%। अब गाइस, सोल्ड गुड्स टू यूपी, सोल्ड गुड्स टू यूपी और जीएसटी 12%। करो जी, जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है और वो स्टेप्स बनाने हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट। करो जी, ये चीज समझ आ गई ना, आप खुशी बनाना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है जीएसटी में, इससे इजी होंगी। बस यही जीएसटी का सार है, जीएसटी का अर्थ है, जीएसटी का क्रक्स है, जीएसटी का जूस है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट फ्रॉम आउटपुट, सेट ऑफ के साथ मेथड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। करो जी, क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग? चलो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, जीएसटी की बधाइयां हो तुम्हें, तुम्हें जीएसटी समझ आ गया। काजू की बर्फी बांट देना अपने परिवार में और रिश्तेदारों को, ये हमें जीएसटी समझ आ गया। और एक डिब्बा मेरे पास भी भिजवा देना, वो सर से ले लो। चलो करो भैया, जल्दी से फटाफट करके दो। बातें कर रहे हो क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हैं? अच्छा, पिटाई कर दूंगा मैं स्क्रीन में से, आ सकता हूँ, आई हैव दैट पावर, आई कैन कम इन द स्क्रीन। मुझे वापिस जाना नहीं आता, फिर मैं आ गया तो, इसलिए नहीं आ रहा हूं मैं। क्या कह रहे हो? हो गया। चलो आओ एक बार जरा। सबसे पहला काम मुझे आप ऐसा करो, अब
सीधा ही मुझे थर्ड स्टेप, स्टेप वन और स्टेप टू तो आपने कर लिए होंगे. स्टेप वन तो वैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स की और उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी रेट. मेरे हिसाब से वैल्यू ऑफ आउटपुट तो वही है गाइस, 15,000 रुपए और इस पे आईजीएसटी लगाया होगा आपने 12% का, कितना गाइस? 1800 रुपए. और स्टेप टू गाइस, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स गाइस वैल्यू ऑफ इनपुट. अभी मैं आपको वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, अभी तो वैल्यू ऑफ देखे. इनपुट का मतलब खरीद, और वो आपका खरीद का जो रेट है 10,000 का 6% CGST और 6% SGST. बहुत बढ़िया. तो ये CGST होगा तुम्हारा 600 रुपए, SGST होगा 600 रुपए. और स्टेप तीन गाइस, सेट ऑफ, गाइस सेट ऑफ, हाँ जी, आउटपुट पे कौन सा टैक्स है? हाँ, और 1800 का. और इनपुट पे TGST SGST 600 600. गाइस स्टेप वन कहता आईजी का कूपन है, आईजी है ही नहीं. स्टेप टू भी, सेकंड सेट ऑफ भी नहीं, थर्ड सेट ऑफ नहीं, फोर्थ सेट ऑफ, सीजी का सीजी भी नहीं है. तो फिफ्थ सेट ऑफ सीजी का आईजी से ले सकते हो. सिक्स्थ भी पॉसिबल नहीं है, सिक्स कहता है एसजी का एसजी से, सेवेंथ कहता है एसजी का आईजी से. तो आपका जीएसटी पेबल 600 रुपए, वो कौन से वाला होगा? आईजीएसटी. आप नोटिस कर रहे हो तीनों ही क्वेश्चन में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, तीनों ही क्वेश्चन में कैस्केडिंग, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है. नाम अलग अलग है लेकिन हम अल्लाह की राम से, राम की अल्लाह से बात करवा रहे हैं, दिखाने के लिए कि सब एक है, कि तुम्हारा अल्लाह या हमारे राम अलग अलग नहीं है, आपस में बनती है उनकी, तो झगड़ा किस बात का? क्लियर बात? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आपको बुक्स मिल गई हैं? Yes, sir. तो मैं कुछ आज आपको क्वेश्चंस के लिए, होमवर्क के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले और कुछ ऑब्जेक्टिव वाले, तो वो भी मैं आपको कैसे करने हैं बताऊंगा. फोर्थ क्वेश्चन जरा देखना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली, नहीं फ्रॉम यूपी कर देते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम यूपी 10,000 प्लस 12% जीएसटी, मार्जिन 50%. और गाइस सोल्ड टू बिहार एट 12% जीएसटी, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी. इस क्वेश्चन में क्या फर्क लगा आपको? दोनों पे आईजीएसटी लगेगा. क्या बात है, आपका इंटर स्टेट परचेज है, इंटर स्टेट सेल. ये तो मुझे लग रहा है सेट ऑफ में पहला पॉइंट ही था, आईजी का क्रेडिट आईजी से मिलेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आईजी का क्रेडिट आईजी से मिल जाएगा. करो सर, दिस इज द सिंपलेस्ट सेट ऑफ, करो.
Great. Now, step one, guys, step one is your output GST. And output GST is value of output multiplied by GST rate. Now, what is the value of output? That will remain the same, 15,000 multiplied by IGST at the rate of 12%, which comes out to 1,800. Yes. Step two, guys, your input GST. What is your input GST? Value of input multiplied by GST rate. The best part is your value of input is 10,000. That is always exclusive of tax. And IGST you paid at the rate of 12%, that is 1,200. And to claim set off is quite easy in this case, step three. Set off is quite easy. Now the set off you have to do is output GST. कौन से वाला टैक्स है आईजीएसटी हाउ मच 1800 एंड योर इनपुट जीएसटी विच इज योर इनपुट जीएसटी आईजीएसटी 1200 ये तो पहले स्टेप में ही सेट ऑफ हो जाएगा फर्स्ट स्टेप ऑफ सेट ऑफ सेवन स्टेप्स ऑफ सेट ऑफ है ये सेवन ये हो जाएगा क्या आईजीएसटी का आईजीएसटी से तो सेट ऑफ है ही इसमें तो किसी के अंकल से परमिशन की जरूरत नहीं है GST payable 600 IGST. In the all four examples, you have seen credit is allowed. Whether you purchase from same state, sell to same state, purchase from inter, sell to same, purchase from same, sell to inter, or interstate purchase, interstate sale. In all these four cases, credit is allowed. So there is no concept of cascading effect in GST because even though different taxes are levied under the name of GST, but all these taxes don't fight with each other. They set off the credit from one each other. But haan, CG ka credit SG se nahi hai. SG ka credit CG se nahi hai. CG ka credit SG se nahi hai. SG का CG से नहीं है और SG of one state cannot be set off from SG of another state. तो अगर दिल्ली का SG है तो दिल्ली के SG से जाएगा UP का SG है UP से जाएगा. Is it clear to all of you? Yes. So now what I'm doing is giving you some questions for homework. Give me a sec. मैं आपको कुछ questions homework के लिए दे रहा हूँ. Can you see? No, just a second. Just a second, guys. Hanji.
सो क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होगा आफ्टर द एंड ऑफ द बुक फॉर दोस हु आर गिविंग सीएमए एग्जाम्स. तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन आई विल डू दिस क्वेश्चंस विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन. Try to do, if you're not able to do, no issues. Question number 1 to question number 10. From CMA, those students who are giving CMA, try to do question number 1 to question number 10 of question bank, subjective question bank. Try to solve as many. Dekhte hain kya hota hai. Next class mein iski problems lenge. Or those who are appearing from MCQ, guys like CS people, तो उनके लिए अभी 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 क्या करेंगे वो? छोले भटूरे खाएं? नहीं, छोले भटूरे तो खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. अभी उनके MCQs के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी MCQs के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा, सो देन दे विल बी एबल टू डू दी MCQs. क्योंकि छोटी छोटी बातें है ना, तो आज हम अभी बेसिक्स चल रहा है. तो नेक्स्ट क्लास में गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट का है वो फिनिश हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो अभी खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने 1 to 10 क्वेश्चन बैंक के करवाए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में जो फ्राइडे की क्लास है, एजेंडा है चैप्टर नंबर 1 फिनिश करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 1 to 10 और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे. चलो, सो गाइस आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, क्लोज योर कॉपीज एंड ओपन योर माइंड. अभी तक दोनों उल्टा चल रहा था. तो गाइस आज हमने ये देखा कि हिंदुस्तान में 35 जीएसटी लॉज है, 35 जीएसटी लॉज, जिसमें प्राइमरी लॉ हमें सीजीएसटी पढ़ना है, बाकी तो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. हिंदुस्तान में 31 स्टेट्स हैं जीएसटी के अंतर्गत और 5 यूनियन टेरिटरीज हैं. इंट्रा स्टेट हो सीजीएसजी लगेगा, इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो सीजीयूटी लगेगा, और गाइस अगर इंटर स्टेट हो वो इंटरनेशनल भी आ गया, इंटर स्टेट भी आ गया, इंटर यूनियन टेरिटरी भी आ गया, आईजी लगे. तो आईजी इज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अपोर्शन विद द स्टेट्स. गाइस जीएसटी की लायबिलिटी निकालने के लिए यू हैव टू मेक 3 स्टेप्स. 1 इज आउटपुट जीएसटी, 2 इज इनपुट जीएसटी, 3 इज जीएसटी पेएबल. फर्स्ट इज आउटपुट जीएसटी, 2 इज इनपुट जीएसटी, 3 इज जीएसटी पेएबल. Output GST means value of output, value of sales, which is excluding tax. Value of sales question में निकाल के दी हुई है, जैसे next class में करवाएंगे तो बहुत ही बढ़िया. नहीं निकाल के दी हुई है तो purchase से profit लगा के sale पे आते. और फिर tax कौन सा लगाना है output पे, वो depend करेगा कि आपने same state में माल बेचा या interstate में बेचा. फिर value of input निकालनी है, खरीद. अब खरीद सेम स्टेट की है तो टैक्स अलग होगा, खरीद दूसरे स्टेट के तो टैक्स अलग होगा, बट खरीद के फिगर में टैक्स लगाना है, घुसा हुआ है, तो फिर हमें रिवर्स कैलकुलेशन, अगर उसके बारे में समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में भी रिवर्स कैलकुलेशन भी सिखाऊं. फिर इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ करना. सेट ऑफ का रूल्स है, पहले आईजी का कूपन इस्तेमाल करो, आईजी से बचा हुआ सीजीएसजी, एनी मैनर एनी प्रपोर्शन. सीजी का कूपन करो सीजी से, बचा हुआ आईजी से. फिर एसजी या यूटी का कूपन एसजी या यूटी से करो, बचा हुआ आईजी से. इस तरीके से सेट ऑफ करना है. और जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट जीएसटी कंपनसेशन सेस से ही मिलेगा. ये टैक्स जीएसटी सेस इसलिए लगाया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि जीएसटी आने से हमारे रेवेन्यूज खत्म ना हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे. हाँ, जीएसटी सेस नॉर्मल जीएसटी के साथ लगता है, आईजीएसटी के साथ लग जाएगा, सीजीएसजी के साथ लग जाएगा, और उसकी रिकवरी करके गवर्नमेंट कंपनसेशन बांटेगी, मुआवजा बांटेगी स्टेट्स को. तो जीएसटी सेस का क्रेडिट जीएसटी सेस से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा.
तो आज की कक्षा यही जीएसटी की समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। टेक केयर गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड मीट यू ऑन वेडनेसडे व्हेन वी विल फिनिश चैप्टर नंबर 1। टेक केयर, वेलकम गाइस, थैंक यू।